से हमने अभी अंकल से बात की, उन्होंने बताया कि वो जो यात्रा होती है वो दिसंबर के सेकेंड वीक से होती है। कि जैसे बाहर राख निकाल के रख दी गई है तो अभी देवी इस लगाएगा सर पे, बताएगा कैसे लगाई जाती है। हाँ, ऐसे लगाई जाती है। अभी आईफोन ले लिया है, ले लेंगे जल्दी, आ रहा है अगले महीने। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय हो गया था आपसे मिले हुए और इतने दिन हो गए थे, तो हमने सोचा आज बना ही देते वीडियो। तो उसके वीडियो ना बनाने के दो बड़े कारण हैं। दूसरा तो ये है कि हमारे परिवार में कुछ समस्याएं हो गई थी, और पहला बड़ा कारण ये है कि गर्मी बहुत थी। तो आज आप देख रहे हैं मौसम पूरा एकदम मस्त हो रहा है और हम देवेश के साथ आ गए पनकी दरबार, देख रहे हैं। अच्छा हाँ, साई दरबार। कल पनकी दरबार गए थे ना, देखते कि कितनी टेंशन में इंसान की आ रहा है, वो कहाँ उसको याद नहीं है, वो भूल जा रहा है। चलो तो दर्शन करते हैं और बताते हैं क्या क्या यहाँ पे, कैसा क्या दर्शन होते हैं और क्या प्रसाद मिलता है, क्या क्या होता है। तो अभी जैसे दुकान पे आ जाएंगे तो पहले जूते उतार देंगे देवेश की तरह, एकदम ऐसे उतारने में ऐसे ऐसे ही है, बस ऐसे उतार सकते, कोई टेंशन नहीं है। और ये प्रसाद मिलता है इस तरीके से डलिया, और दुकानें कई हैं आगे इस जगह पे और सामने मंदिर है। तो चलिए जूते उते उतार देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, आगे से गाड़ी है और तो थोड़ा ये रोड से जाएंगे तो गाड़ियां देख के जाएं, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। और हम लोगों ने प्रसाद नहीं लिया है क्योंकि प्रसाद मौसी ले चुकी हैं जो अंदर गई हैं। तो हम लोग अंदर चलते हैं दरबार में और बाबा से मिलते हैं। वैसे नल यहाँ पे भी लगा है तो यहाँ पे भी आप पैर धो सकते हैं। और ये एंट्रेंस है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस शायद सिर्फ बृहस्पतिवार को खुलती है। तो आप देख रहे हैं प्रांगण कितना शांत है यहाँ पे, और बहुत ही शांति रहती है। अगर आप कभी भी आएंगे, मुझे कभी इतनी भीड़ नहीं मिली कि यहाँ पे हमको दर्शन ना मिले या कभी भीड़ भाड़ मिले। और ये जो बाहर आप साउंड सुन रहे हैं नेचर का, कितना प्यारा लग रहा है। तो जैसे अभी हमने दरबार में दर्शन कर लिए हैं, ये है बाबा का दरबार। तो और आप यहाँ से ऊपर चढ़ के जाएंगे और इधर से निकल जाएंगे, और ये नंदी महाराज बैठे हैं हमारे, और ये बाबा बैठे हैं। यहाँ पे बाबा जी का खाट है और सारा सामान रखा हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे अभी वो जो हमने द्वार से मंदिर है, और ये आप देखें कि इस तरीके से यहाँ पे बाबा का स्थान गृह बनाया गया है, जहाँ पे बाबा की जूती रखी दिख रही होंगी आपको और बैठने के लिए दिखाया गया होगा। और यहाँ बाबा का स्थान है, यहाँ पे बाबा बैठते हैं और साल में एक बार शायद बाबा को यहाँ से निकाल के और उनको घुमाया जाता है पूरे शहर में। यहाँ से नहीं, कंपनी बाग से यहाँ पे लाया जाता है, कंपनी बाग से यहाँ पे लाया जाता है। तो ये जो पालकी है इससे बाबा को यहाँ पे लाया जाता है कंपनी बाग से। तो कई सारे रिचुअल्स होते हैं, वो दिन हमको नहीं पता, वो हम अभी पूछ के आपको बता देंगे। जैसे हमने अभी अंकल से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जो यात्रा होती है वो दिसंबर के सेकेंड वीक से होती है। तो उसको यहाँ पे बोला जाता है, जैसे साईं बाबा का बोला जाता है मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, तो वो यात्रा श्रद्धा और सबूरी की होती है। तो उसमें मान्यता है कि जो भी उस यात्रा में शामिल होता है या जो उसमें आके मांगता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है। तो ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान रखिए कि दिसंबर के सेकेंड वीक में होती है। और आप ये देखेंगे बाबा का एक ये दरबार है, यहाँ पे किसी श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हुई होगी तो उसने ये बाबा का स्थान बनवाया है। ये एक पुराना नीम का वृक्ष है। उसके बाद चलते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ये धुनी है। तो धुनी के लिए रास्ता कहाँ से है, ये इधर से होके आइए। ये कुछ इस तरीके से चक्कर बना हुआ है, इधर कहीं से रास्ता ठीक है, इधर कहीं से ये था मुझे पता नहीं, एंट्रेंस जो भी हो। तो यहाँ पे जो ये अग्नि लाई गई थी, ये लाई गई थी सिरणी वाले साईं बाबा के यहाँ से, और ये तब से आज तक ऐसे ही जल रही है। तो यहाँ पे जो भी प्रसाद में धुनी मिलती है, हवन सामग्री, वो इसमें डाल दी जाती है। और उसके बाद यहाँ से जो भी राख होती है
वो लोग भक्त अपने साथ ले जाते हैं और अपने माथे पे लगाते हैं, खाते हैं। तो हाँ, ये जैसे बाहर राख निकाल के रख दी गई है, तो अभी देवेश लगाएगा सर पे, बताएगा कैसे लगाई जाती है। हाँ, ऐसे लगाई जाती है। धन्यवाद भाई। और इसको लोग घर पे ले जाते हैं, जैसे कि घर में वो घर में लगा सके, और जिसकी मनोकामना पूरी होती है। ये दिव्य ज्योत जल रही है देखी बाबा की। और उसके बाद आ जाता है सबसे लास्ट पार्ट, यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है। कभी कभी होता है कि यहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो नारियल फोड़ते हैं, और कभी कभी आपको खुद फोड़ना पड़ता है। तो उसके ऊपर नारियल फोड़ा जाता है, यहाँ से पानी गिरता है, गिलास वो देखिए रखा है, आप चाहें तो उसका नारियल का पानी यहाँ से निकलता है तो वो पी सकते हैं। मोस्टली लोग नहीं पीते, लेकिन मैं तो मोस्टली पी लेता हूँ, मुझे नारियल का पानी पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग के बाबा के दर्शन तो पूरे हो गए, मंदिर भी हम लोग ने घूम लिया। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन अच्छा मंदिर है। अगर आप शांति पसंद करते हैं और शांति से थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, खुद से मिलना चाहते हैं, तो आप साई दरबार आ सकते हैं। वैसे देवेश, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो भाई? तुम इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? मैं इधर देख, शांति ढूंढ रहे हो? हाँ, शांति ढूंढ रहा हूँ। वो मिल नहीं रही है ना, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। अच्छा, तो ये और भी लोगों की जो जो मन्नतें मांगते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो वो घंटियां बांध के जाते हैं। कोई मंदिर बनवा देता है, कोई कुछ बनवा देता है, कोई कुछ बनवा देता है। तो ये सब अपनी भावनाएं के ऊपर है कि कौन कितना कर लेता है, कौन कितना नहीं कर पाता। बाकी मेरा मानना तो यही है कि आप एक बार घूम के आए, यहाँ पर घूम जाए और घूम जाए। घूम जाने का मैंने ये तो बताया ना कि आप पहुँचेंगे कैसे यहाँ पर। तो यहाँ पहुँचने का सबसे सीधा रास्ता है, अगर आप कानपुर सेंट्रल से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आप आ जाइए मंदना। सवारी से आ रहे हो तो पहले आ जाइए मंदना। मंदना से आपको बिठूर के लिए इधर मिल जाएगी साईं दरबार के लिए गाड़ी। अगर आप गंगा बैराज से आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ के लिए सवारी मिल जाएगी। और बाकी खुद अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बेहतर है। और अगर कन्नौज की तरफ से आ रहे हैं तो आपको मंदना तो आना ही पड़ेगा, मंदना आके आएंगे। और गंगा के पार से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बाकी आप डिसाइड कर लीजिए कैसे आना है। और देखिएगा देवेश नारियल कैसे तोड़ रहा है। पानी पानी पी ले, गिलास में डाल लो। पी लीजिए। ये मौसी जी है, ये रख लो प्रसाद है, और क्या पी लो। ये देखिए बर्तन धुले जा रहे हैं बाबा से। जी तो अभी ये देखिए परिवार लोग कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति रहती है कि लोग बैठना प्रेफर करते हैं। पंखे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ठंडी हवा चल रही है, नेचर का है। समझे, अभी दरबार में दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं, और सभी लोग निकल रहे हैं। मौसी मौसी का लड़का, हमने शांति ढूंढ ली थी यहाँ, और ये हम लोग ने शांति ढूंढ ली और दरबार में दर्शन करके निकल रहे हैं। अब आगे सीधे जा रहे हैं हम लोग बिठूर में दर्शन करने। आपको वहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं। थोड़ा सा ये फ़ोन ज़्यादा हिल रहा होगा, अभी आईफोन नहीं लिया है, ले लेंगे जल्दी आ रहा है अगले महीने, क्योंकि यूट्यूब से कमाई अब हो रही है हमारी अच्छी काफ़ी। अच्छा, वो आप लोग और ऐसी हमको प्यार दें और आगे कमाई करें, तो आईफोन सीधे 15 Pro Max। अच्छा, तो ये देखिए ये मेन रोड है यहाँ पे मंदना, और ये गंगा जी को जोड़ती सीधे रोड, और ये मंदना से आती है। सब लोग ने अपना सामान अमान भी पैक कर लिया है। भाई तुम बैग उठा रहे हो ना, बैग उठाओ। और ये सीधे रोड निकल जाती है बिठूर के लिए। किसी को नाश्ता पानी करना है तो वहाँ कर सकते हैं, हम तो खाना खा के आए हैं। देवेश की मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, और हमने ज़्यादा खा लिया है, अभी पेट ज़्यादा भर गया। क्यों, तुम्हारे जूते ही नहीं पहने जा रहे इतनी देर से? अभी ही रख दे रहे हैं, बड़े जूते ले लिए ना उनसे इतने में तो मैं 6000
कहीं सही जगह यूज करके 1000 का जूता ले लेते बढ़िया। मंदिर में खड़े हो रहे हैं दो। मैंने कुछ गलत नहीं बोला अभी। 6000 भाई EMI पे आ जाता आईफोन। बोला तो तुमने कहीं और। कहीं और क्या, हमने यही बोला, तुमने गलत समझा। ये बढ़िया मौसम हो रखा है, पीछे देखिए कितना बढ़िया पार्क बना हुआ है। पार्क नहीं, किसी का फार्म हाउस है। ये देखिए, समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग निकलते हैं अब बिठूर की तरफ। अब सीधा मुलाकात होगी आपसे बिठूर में। तब तक के लिए जय बाबा।